फाइनेंशियल प्लानिंग का महत्व। हम सभी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबे हुए हैं और कुछ जिम्मेदारियां तो बेहद जरूरी हैं, जैसे एक बड़ा घर लेना, बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देना, उनकी शादी धूमधाम से करवाना वगैरह वगैरह वगैरह। और इन घरेलू जिम्मेदारियों को निभाने के बाद हो सकता है आप अपने बरसों पुराने सपने भी पूरे करना चाहें, जैसे एक बीच हाउस खरीदना। पर परेशानी ये है कि उसके लिए सिर्फ आपका रिटायरमेंट फंड काफी नहीं होगा। सारी जिंदगी आपने इतनी मेहनत मशक्कत की अपने सपने पूरे करने के लिए, पर शायद वो कभी पूरे ना हो पाए। जानना चाहेंगे क्यों? कहते हैं ना, बाय फेलिंग टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। और ये सही भी है। जिंदगी की हर बड़ी चीज के लिए जरूरत है सही प्लान और उस पर अमल की, जैसे फाइनेंशियल गोल्स। ये बड़े बड़े गोल्स सही प्लानिंग से ही हकीकत बन सकते हैं। यही नहीं, घर की मरम्मत, छुट्टियों में घूमने जाना और इमरजेंसी में पैसों का इंतजाम जैसी जरूरतें भी सिर्फ एक मजबूत फाइनेंशियल प्लान की मदद से ही पूरी की जा सकती हैं। पर घबराइए मत, ये उतना मुश्किल नहीं जितना लगता है। फाइनेंशियल प्लान जिंदगी के गोल्स को पाने के लिए कदम दर कदम बढ़ने का सही तरीका है। फाइनेंशियल प्लान की जरूरत आखिर है क्यों? कारण कई हैं। माँ बाप की बढ़ती जरूरतें, बच्चों के महंगे सपने, बहुत ज्यादा महंगे, और भूलिए मत कि इन्फ्लेशन समय के साथ इन गोल्स को और भी महंगा कर देगी। दूसरा कारण, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में बढ़ता हुआ कंपटीशन। तनख्वाह कितनी भी ज्यादा क्यों न हो, नौकरी का कोई भरोसा नहीं। मतलब इमरजेंसीज के लिए आपके पास पैसों का इंतजाम हमेशा होना चाहिए। और मेडिकल साइंस की वजह से लोगों की रिटायर्ड लाइफ्स और भी लंबी हो गई हैं। खबर तो अच्छी है, पर उनके खर्चे कैसे पूरे होंगे? फाइनेंशियल प्लान की मदद से, जो रिटायरमेंट के बाद भी आपकी आय बनाए रखता है। और वैसे भी आपको एक ऐसे मजबूत प्लान की जरूरत है जो हर रोज पैदा हो रहे नए नए इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में से आपकी जरूरतों के मुताबिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चुन सके। अब भी हैरान है कि ये कैसे काम करता है। चलिए मान लेते हैं कि आपकी बेटी की शादी में एक साल बाकी है और आप ये अनुमान लगाना चाहते हैं कि उसमें कितना खर्चा होगा। क्योंकि आपने पहले से प्लानिंग नहीं की, इसलिए आप ज्यादा खर्चा नहीं कर पाएंगे। फिर भी आप चाहते हैं शादी धूमधाम से हो, इसलिए आप अपने रोजमर्रा के खर्चों में कटौती करनी शुरू करते हैं। शादी का दिन नजदीक आते आते आपको एहसास होता है कि चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रही। जगह बुक कर ली, कपड़े जेवर खरीद लिए, पर खाने का क्या, सजावट का क्या, शादी के इनविटेशन कार्ड्स का क्या? तभी वक्त आता है बेटे की फीस भरने का, जबकि आपको शादी की खरीदारी करनी थी। स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि आपकी पत्नी बिस्तर पकड़ लेती है, पर आपकी सेविंग्स तो खत्म हो चुकी है और आप ये एक्स्ट्रा खर्चे उठाने की हालत में नहीं है। पर समय रहते और समझदारी से तैयार किया गया फाइनेंशियल प्लान आपको इस स्ट्रेस से आसानी से छुटकारा दिला सकता था। एक मजबूत फाइनेंशियल प्लान आपकी बचत को सही इन्वेस्टमेंट व्हीकल तक ले जाता है, ताकि मुनासिब योजना बन सके और आप जिंदगी की हर चुनौती से निबटने के लिए हमेशा तैयार रहें। मतलब ये कि किसी भी सपने को साकार करने के लिए एक प्लान का होना बेहद जरूरी है, और सही प्लानिंग के लिए जरूरी हैं ये सब चीजें। फाइनेंशियल एडवाइजर जो इन्वेस्टर की जरूरतों और गोल को समझे और उसी हिसाब से प्लान करे। इन्वेस्टर के पर्सनल रिस्क का अंदाजा, ताकि उसके मुताबिक गोल्स पूरे करने के लिए प्रोडक्ट चुना जा सके। एसेट एलोकेशन प्लान, ताकि आपकी बचत को उचित इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरफ मोड़ा जा सके। गोल्स को पूरा करने के लिए बचत, योजना पर अमल और समय समय पर उसकी समीक्षा। देखा आपने, प्लान का मुख्य उद्देश्य होता है इन्वेस्टर को रकम इन्वेस्ट करने और अपने गोल्स को पूरा करने संबंधित पूरी तरह की जानकारी मुहैया कराना, जैसे कि टाइम होराइजन, टैक्सेस, इन्फ्लेशन और तरह तरह के जोखिम। और एक मजबूत फाइनेंशियल प्लान की मदद से आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के साथ साथ अपने सपने भी पूरे कर सकते हैं। तो आगे बढ़िए और जितने सपने देखने हैं देखिए, पर हाँ, उनके लिए प्लान करना मत भूलिएगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखते रहिए और हम इन्वेस्टिंग कॉन्सेप्ट समझने में आपकी पूरी मदद करेंगे। आप चाहें तो अपनी प्रतिक्रिया हमें editor@templeton.com पर भेज सकते हैं।